11 बजे हैं दोपहर के या सुबह के हैं या दोपहर के जो भी हैं, लेकिन मुझे भी यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए जाना है बैंक, और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है। कल 7 सितंबर था तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है कि यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस सब खुल रहे हैं, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वो लोग खुश हैं जो लॉकडाउन के वक्त खुश थे कि यूनिवर्सिटीज़ बंद हो रही हैं और बड़ा लिट टाइम गुजरेगा हमारा घर पे, ऑनलाइन क्लासेस होंगी। पहले तो पता ही नहीं था ना कि क्लासेस होंगी भी कि नहीं होंगी, लेकिन जब ऑनलाइन क्लासेस होना शुरू हो गई तो वो और मज़ेदार हो गया। अब शुक्र है यार यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, क्योंकि घर रह रहे के जो हालत हो गई है, हर कोई मोटा आया हुआ है और हर कोई गोरा आया हुआ है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर की जिन्होंने ये कहा है कि हम 2021 से पहले यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं करेंगे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। इंजॉयज़। मैं अभी नहा के आया हूँ एंड आई जस्ट नोटिस्ड कि जो मेरी होती है ना, ये जो होती है कलम, आई गेस इसको कहते हैं, ये लंबी हो गई है। और मुझे भी याद आया कि जो पुरानी इंडिया के एक्टर्स होते थे ना, पुराने ज़माने के, तो उनकी भी ऐसी ना मोटी मोटी और यहाँ तक होती नहीं। यार मुझे ना कैमरा बंद करना पड़ेगा वरना ना टेंट करवानी पड़ जाएगी मुझे। तो अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आई होप कि अच्छी बन जाएगी। मैंने कभी पहले पी नहीं है, लेकिन इट सीम्स टू बी गुड। नो डाउट इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कड़वी लग रही है। पहली बार बनाई है, थोड़ी सी कड़वी है। मैं यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा मैं पीता नहीं हूँ, ब्लैक कॉफ़ी कह रहा हूँ, कॉफ़ी मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीता नहीं हूँ। ब्लैक कॉफ़ी मैंने पहली दफ़ा बनाई है, तो मेरा इस तरह का सीन है, मैं टीवी पे कुछ भी देख लूँगा मैं बनाने लग जाता हूँ। टीवी पे पकौड़ों की ऐड आ रही होती है, मैं पकौड़े बनाने लग लेता हूँ। समोसों की ऐड आ रही होती है, मैं समोसे बनाने लग लेता हूँ। मेरा इस तरह का थोड़ा सीन है। तो अभी मैंने टीवी पे किसी प्रोग्राम में ब्लैक कॉफ़ी पीते देखा, तो मैंने कहा बनाते हैं। यार अभी सीन ये है कि मुझे अपने काफ़ी टाइम से मैंने अपना बैकअप नहीं किया और डेटा का मुझे अभी बैकअप करना है, और उसके अलावा मैंने दो काम और भी करना है। तो यार आपको पता है, अब जैसे दोबारा से यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर रहे हैं पंजाब में, बाकी मुझे तो कहीं पे नहीं पता, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ मतलब 15 की, मेरे दोस्त की 15 का स्टार्ट हो रही है, मेरी 21 को स्टार्ट हो रही है। तो इस सीन में एक बहुत लंबा गैप था जो गुजरा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे लॉकडाउन हुआ अनएक्सपेक्टेडली, उसके बाद फिर एक इतना लंबा देर आप मतलब सारे स्टूडेंट्स जो थे घर पे रहे हैं, और उसके अलावा फिर वही रूटीन ख़राब होने लग गई और लोग तंग आने लग गए थे घर बैठ बैठ के। तो अब फाइनली लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही हैं, स्कूल्स कॉलेज स्टार्ट हो रही हैं,
तो मेरे दोस्त अरसलान और रयान ने एक छोटा सा मैसेज है वो तैयार किया है, तो जितनी देर में मैं अपना बैकअप करता हूँ आप उतनी देर में उनका मैसेज मुलाहिज़ा फरमाइए। तो लॉकडाउन शुरू होते ही स्टूडेंट्स बहुत खुश हुए कि भाई हमें छुट्टियां मिल रही हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी स्कूल सब बंद। जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो बच्चे बहुत खुश हुए थे, इन छुट्टियों को एज अ वेकेशन ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम शुरू हो गए ऑनलाइन, जो कि बहुत आसान थे, चीटिंग वगैरह हो रही थी। मगर जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस आई। मेरे दोस्त अपने मुझे बता रहे थे कि यार ऑनलाइन कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जो क्लास में भी थोड़ा बहुत आता था वो भी समझ नहीं आ रहा। फिर ऑनलाइन क्लासेस दोबारा शुरू हो गई। क्लासेस में शुरू शुरू में बच्चे काफ़ी एक्टिव थे, पर जैसे ही टाइम चलता गया तो वो इनएक्टिव हो गए, और QR कोड बार आते थे तो अटेंडेंस वो लोग ऐसे लगवा लेते थे, बहुत ही अनसीरियस तरीके से क्लासेस लेते थे, कि मतलब कि क्लास उन लोगों ने लैपटॉप अपना चलाया छोड़ा होता था और बाहर फिर रहे लेटे लेटे क्लासेस ले रहे ऐसे। पर अब गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट खोलना शुरू कर दिए हैं, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जो है ना ये सेफ्टी प्रिकॉशन लें, क्योंकि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी है, उसका खतरा अभी भी है और ये बढ़ सकता है अगर हमने सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लिया है स्टूडेंट्स। तो मेरा मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें और कोशिश करें कि आप कम से कम बाहर इंटरेक्ट करें दूसरों से, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके क्लोज, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सबको इफेक्ट होता है इससे। ठीक है, अब लॉकडाउन हट रहा है तो अब आपको चाहिए कि प्रिकॉशंस लें, मास्क वगैरह लगाए, ठीक है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से दूर रहें, इससे आप अपनी फैमिली को भी बचाएंगे, अपने दोस्तों यारों से भी बचाएंगे, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लें, शुक्रिया। तो जितनी देर में आपने ये वीडियोस देखी हैं उतनी देर में मेरा ये बैकअप भी एक काइंड ऑफ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 92% रह गया। तो यार आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, क्योंकि ना तो ऑनलाइन लेसन्स किसी काम के थे, क्योंकि जो बच्चे सारा साल क्लासेस में बैक बेंचर्स शोर मचाते हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में अपनी कसर पूरी निकाल दिया करते थे। और उसके अलावा कोई इंटरनेट का कभी इशू आ रहा है, कभी क्लास का टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बहुत सारे इश्यूज होते हैं डिफरेंट तरह के छोटे छोटे जिनसे आपको गुजरना पड़ जाता है, लेकिन बेहतर है यार कि यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएं। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था ऑनलाइन क्लासेस का, पाकिस्तान में तो पहली बार हुई है, लेकिन बाहर के मुल्कों में इट्स ऑफन होती रहती होती हैं। लेकिन ये है कि कोरोना वायरस दोबारा भी आ सकता है अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस ना ली तो। अब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही हैं, लाइफ दोबारा नॉर्मल हो रही है, सब बिजनेसेस, जॉब्स, हर चीज़ दोबारा से, जो लाइफ एक सर्कल रुक गया था वो दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। तो यार इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ऑल दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।